एमपी में मौसम ने फिर अपना मिजाज बदल लिया है। प्रदेश में विपरीत दिशा की हवाओं का संयोजन हो रहा है, इस वजह से बादल छाने लगे हैं। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र की सीमा से लगे नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में रविवार सुबह बूंदाबांदी हुई, वहीं राजधानी भोपाल में भी बादल छाए रहे। जाते जाते ठंड ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए। भले ही मौसम बदलने से रात में ठंड का असर कुछ कम हो गया हो, लेकिन बादल छाने की वजह से दिन का पारा कम हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में दक्षिण गुजरात पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर कर्नाटक तक एक द्रोणिका बनी हुई है। प्रदेश में फिलहाल विपरीत हवाओं का संयोजन के कारण कई इलाकों में बादल छा गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। इस दौरान खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। देखिए, अभी एक आपके गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था और एक ट्रफ जो है वहाँ से आपके अरबियन सी से मध्य महाराष्ट्र तक आ रही थी, और उसके अलावा मॉइस्चर भी जो है आपके भैया बंगाल से आना था और ये आ रहा था, और उसके अलावा जो टफ ये जो लाइन है आगे मूव होगी हुई है, तो इसकी वजह से जो है आपके पूरी मध्य प्रदेश में और पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं की वर्षा दर्ज की गई है। और अभी तक जो सुबह यहाँ पर आंकड़े आए उसके हिसाब से सबसे अधिक जो है जबलपुर में 10.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, और बाकी जगह और भी जो थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग भी दर्ज की गई है, कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। तो और तापमान की बात करें तो सबसे कम जो है दतिया में 5.0 कम तापमान दर्ज किया गया है, और बाकी जो है आपके दतिया में ही जो है शीत लहर भी जो है वहाँ पर दर्ज की गई है। तो अभी आगामी दिन बात करें तो अभी 11 से लेकर 14 तक ये वर्षा गतिविधियाँ जारी रहेंगी, क्योंकि जो आपके जो सिस्टम जो बना हुआ है ट्रफ लाइन जो आगे आई हुई है और ये अभी आगे मूव होगा, तो पर्टिकुलर पूरी मध्य प्रदेश ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएंगी, मगर थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग गरज चमक के साथ होगी, कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना एक दो दिन अभी रहेगी पूरी मध्य प्रदेश में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।